हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और देखते ही देखते दोस्तों हम पहुंच गए हैं आखिरी चैप्टर पर जिसका नाम है मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से लिख कर अपने आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे चैनल को पहुँचाइए, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही लगातार वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। चैप्टर्स भले ही ख़त्म हो गए हों, लेकिन IMP क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और इम्पॉर्टेंट गाइडेंस लेकर हम लगातार वीडियोज़ बनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मार्केटिंग इस चैप्टर को आज हम और कुछ क्लोजली जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें मार्केटिंग मिक्स नाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। मार्केटिंग मिक्स ये बहुत अहम कॉम्बिनेशन है जो हर एक के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, सही जगह और सही प्रमोशन, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है मार्केटिंग मिक्स। तो चलिए आज इन्हीं को समझते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केटिंग की बात करें तो याद रखिए, जो दिखता है वो बिकता है, और एक कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट एक मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर जब बन चुका है तो मार्केटिंग एक बहुत अहम रोल निभाता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ और बिजनेस दोनों में ही बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो चुका है, और इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट। यानी आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में अगर आपको टिके रहना है, बने रहना है, तो मार्केटिंग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ आपके पहले के परफॉर्मेंस पर आप ये सोचेंगे कि मैं टिका रहूंगा मार्केट में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स को अगर जगह बनाए रखनी है तो सही मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। इनोवेटिव एंड वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट विच गिव्स अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू द कस्टमर्स। यानी कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, और इसीलिए बार उनकी नजर में आते रहना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर एंड इट अफेक्ट्स अवर डे टू डे लाइफ। यानी ज्यादातर जब भी हम समय गुजारते हैं हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे, तो हम देखते हैं कई स्क्रोलिंग पे हमें एड्स नजर आते हैं, बैनर्स नजर आते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं। ये इसीलिए किया जाता है ताकि कस्टमर के नजर में रह सके प्रोडक्ट, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो सके और अट्रैक्ट किया जा सके। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मीनिंग और डेफिनेशन की, तो मार्केटिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस इन चेंजिंग मार्केट। आज के इस नए दौर में हर एक के अपने मार्केटिंग के स्टाइल होते हैं, अपना मार्केटिंग का मीनिंग होता है, लेकिन मूल सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो है कस्टमर तक पहुंचना, उसके जहन में हमेशा अपने प्रोडक्ट को बनाए रखना, अपने ब्रांड को बनाए रखना, तो ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर डेफिनेशन की बात करें तो तीन महत्वपूर्ण डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जिसमें से अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, फिलिप कोटलर और वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन हमारे सामने है। मार्केटिंग is the activity, set of institutions and process for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for the customers, clients, partners and society at large. तो बहुत ही सिंपल वे में अमेरिकन एसोसिएशन ये कह रही है कि भैया, जब हम कुछ ऑफर करते हैं ऐसी चीज जो कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर सके, कस्टमर के काम की, उसे कुछ यूटिलिटी दे सके, और सही ढंग से, सही तरीके से, सही समय पर उसके सामने हम प्रोडक्ट लाएं, तो वो जरूर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और परचेस करेगा। इसी एक्टिविटी को मार्केटिंग कहा जाता है। तो इसके अलावा फिलिप कोटलर का भी डेफिनेशन है, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस डेफिनेशन। मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड। यानी मार्केटिंग के जरिए लोगों को वो मिलता है जो उन्हें चाहिए, उन्हें नजर आता है, उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है नए प्रोडक्ट्स के बारे में, आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स में क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में, एंड वॉन्ट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। यानी जो जरूरत की चीज़ें हैं वो मार्केटिंग के जरिए हमें पता चलती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन का कहना है, मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलोसफी विच डायरेक्ट्स the process of identifying and fulfilling the needs of individuals। यानी जरूरतों को लोगों की पूरी करना, उनकी जरूरतों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना और फिर फुलफिल करना, यही एग्जैक्टली मार्केटिंग का प्रोसेस है। दोस्तों, इसी प्रोसेस की अगर बात करें तो आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स को। एक बहुत अहम आंसर है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, और इस आखिरी चैप्टर का ये आखिरी आंसर भी है। मार्केटिंग मिक्स
नाम से ही ये कहता है कि इट इज़ अ मिक्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी अलग अलग एलिमेंट्स, बदलने वाले एलिमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, प्रमोशन के तरीके, मार्केटिंग के तरीके बदलते रहते हैं, और उसी प्रकार प्राइजेस यानी दाम प्रोडक्ट्स के बदलते हैं, जगह बदलती है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में, और इन वेरिएबल्स का जब हम कॉम्बो कर लें तो बन जाता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज द combination of different marketing variables that the firm blends and controls to achieve desired result. जब हम इन सभी variables का, इन सभी समीकरणों को मिला लेते हैं और एक अच्छा balance बनाते हैं, तब हम desired results हासिल कर सकते हैं। As a organization, अगर हमारे products को अच्छे से बेचना है, लोगों तक पहुंचाना है, हमारे लिए success वही है और वही desired result हासिल होगा तब जब आप marketing mix यानी ये combination जो है अलग अलग variables का, फिर वो product है आपका, प्राइस है आपका, प्लेस है या आपका प्रमोशन है, इसे आप बैलेंस कर पाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स, द मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट प्राइस, यानी सही समय पर, सही जगह पर, सही प्राइस पर और सही प्लेस पर अगर आपने अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मार्केटिंग, द फोर P's। जी हाँ दोस्तों, 4 P's यहाँ पर हैं मार्केटिंग मिक्स के, जो इंट्रोड्यूस किए थे जेरोम मैकार्थी ने इन 1960। इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाय बूम्स एंड बिटनर इन 1981 बाय एडिंग 3 न्यू एलिमेंट्स टू द 4 P's प्रिंसिपल। यानी 4 P's प्रिंसिपल तो थे, हमारे बूम बिटनर ने इसमें 3 और जोड़ दिए, कुल मिलाकर के 7 P का हमारा ये आंसर है, जिसे हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। और हर एक पहलू, हर एक वेरिएबल अपने आप में बहुत अहम है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक गुड्स प्रोवाइडर को। इन सभी का बैलेंस, इन सभी का समीकरण, मिक्सचर अच्छे से बनाना है और फिर लोगों के सामने ऑफर करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स यानी 4 P's, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड या प्रोडक्ट प्रस्पेक्टिव से बातें कही गई हैं। और इसके अलावा दूसरा जो प्रस्पेक्टिव है बूम बिटनर ने जो ऐड किया वो था सर्विस मार्केटिंग मिक्स, जिसमें 7 P's हैं। इन चारों के अलावा और 3 हैं। द 4 P's आर द की फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दे आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 हैं दोस्तों, फिर एक बार दोहरा दूं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट चारों पिलर्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। इसमें 3 और हम जोड़ने वाले हैं अंत में। चलिए एक एक करके सब पर नजर डाल देंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट, वैल्यू जो ऐड कर सके वो होता है प्रोडक्ट। कंज्यूमर को जिसकी ज़रूरत हो वो होता है प्रोडक्ट। और याद रखिए दोस्तों, प्रोडक्ट होगा तभी तो मार्केटिंग हो पाएगी। प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड टू द कस्टमर फॉर सेल एंड आर केपेबल, आर केपेबल, आर केपेबल, आर केपेबल। ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए कि वो ज़रूरतों को पूरा कर सके, ऑफ सैटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। द प्रोडक्ट कैन बी इनटैंजिबल और टैंजिबल एज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज और गुड्स। द बिजनेस नीड टू डिसाइड द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। यानी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को सही रिसर्च करके, लोगों की ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करके, फिर प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करना चाहिए ताकि वो ज़रूरतों के हिसाब से हो और जब बने तो लोग उसे खरीदें। सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। यानी कैसा वो प्रोडक्ट बना है, क्या वो ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, यूटिलिटी दे पाएगा, ये सोचते हुए ही कंज्यूमर उसे फाइनली परचेज करेगा। तो सबसे पहला मार्केटिंग मिक्स का वेरिएबल है पी से प्रोडक्ट। इसके अलावा दोस्तों है अहम बात प्राइस की, सही दाम भी होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा है मगर बहुत महंगा है तो लोग सोचेंगे यार अपने बजट के बाहर है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी बजट में। तो इसीलिए प्राइस जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए आपकी क्वालिटी के साथ। कई बार कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चीपर होने की वजह से भी लोग हिचकिचाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये लें या ना लें। तो प्राइस जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फैक्टर है, इसके ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए और समझ कर, सोच कर, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, आपके प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ये जो है प्राइस तय होनी चाहिए। The price of the product is basically the amount that a customer pays for the product. Price plays a very important role in creating demand for the product. अगर price ही
अपील नहीं कर पाता तो कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करता। द बिजनेस नीड्स टू टेक अटमोस्ट केयर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी बहुत ध्यान रखना चाहिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे फॉर द प्रोडक्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्राइजिंग द प्रोडक्ट, यानी कॉस्ट कितना लगा है प्रोडक्ट को बनाने में। और इसके अलावा दोस्तों हम दूसरे कस्टमर्स दूसरे जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइजिंग भी देखते हैं, डिमांड कितनी है वो देखते हैं और इसके हिसाब से हम तय करते हैं कि प्राइस हमारे प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए। टू हाई प्राइस में अफेक्ट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्राइजिंग टू लो में अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी दोनों का समीकरण दोनों का बैलेंस कहीं ना कहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए, आपकी प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है और इसीलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। वाइल डिसाइडिंग द प्राइजेस द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स आर टू बी कंसिडर्ड, कितनी वैल्यूएबल आपकी चीज़ है और वो कस्टमर्स को कितना फ़ायदा दे पाएगी ये सोचकर ये समझकर ही आपको प्राइस तय करना चाहिए। तो पी और पी दो हमने देख लिए, एक था प्रोडक्ट एक था प्राइस। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर जिसका नाम है पी से प्लेस। जी हाँ दोस्तों, अगला वेरिएबल यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स में प्लेस बहुत ज़रूरी है, सही प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सही जगह पर सही समय पर नहीं पहुंच पाते तो बहुत दिक्कत हो सकती है। प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी गुड प्रोड्यूस तो हो गए, अब लोगों ने डिमांड भी करनी शुरू कर दी लेकिन पहुंचा ही नहीं लोगों तक, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। याद रखिए प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आप देखिए पार्ले जी का बिस्किट गांव गांव तक फैला हुआ है, गांव गांव तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और इसीलिए इतना वाइडली पॉपुलर है आज भी। सदियों से, मतलब मैं समझता हूँ बचपन से ही हमारे लोगों ने पार्ले जी बिस्किट देखा है, खाया है और एंजॉय भी किया है, आज तक उसे यूज़ किया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है दोस्तों प्लेस का, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना है कि रूरल एरियाज़ में भी वो पहुँचा है। दोस्तों कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो सिर्फ आपको मॉल्स में मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स के अंदर ही होंगे, बड़ी बड़ी दुकानों में मिलेंगे, इनकी रीच वाइड नहीं हो पाती। तो प्लेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेस इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट एंड द राइट price is not enough, businessman needs to make product available to potential customer at the right place too. Business needs to distribute the product in a place that is accessible to potential buyers, yani har jagah wo aap agar potential buyers tak pahunch paaye to sone pe suhaga, sirf price ya product ki wajah se nahi right place par pahunchne se bhi marketing चलती है। इट कवर्स लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेज ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। बेटर द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हायर द कवरेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। जितना अच्छा आपका डिस्ट्रीब्यूशन उतना हायर आपका कवरेज होगा, उतना हायर आपका रीच होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट दूर दराज तक भी पहुंच पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें चौथे इंपॉर्टेंट पी की तो ये है प्रमोशन। ये बहुत अहम हो चुका है आजकल, ब्रांड का रिकग्निशन, यहाँ ब्रांड के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, पोटेंशियल बायर के नज़र में आना, फिर वो होर्डिंग्स के जरिए हो, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए हो या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के जरिए, कहीं ना कहीं ये प्रमोशन वाली चीज़ जो है ये बहुत आजकल मायने रखती है। प्रमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज इट क्रिएट्स ब्रांड रिकग्निशन एंड सेल्स। प्रमोशन इज़ अ टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच हेल्प्स टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट, यानी एडवर्टाइजमेंट करते रहना, पब्लिसाइज करते रहना प्रोडक्ट को, फिर वो सोशल मीडिया हैंडल्स पर आजकल हो गया है या टेलीविजन एड्स के थ्रू, रेडियो एड्स के थ्रू या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के जरिए। तो इस प्रकार अलग अलग चीज़ों के जरिए हम प्रमोशन कर सकते हैं और प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत अहम पी है। Yes, it helps to convey product features to the potential buyer and inducing them to buy it. यानी attract कर सकता है, जानकारी provide कर सकता है और promotion के जरिए बहुत कुछ हमारा potential buyer जान सकता है और decide कर सकता है कि भैया ये product खरीदना है या नहीं। Combination of promotional strategies depend on budget, the message business wants to communicate एंड द टारगेट मार्केट, यानी आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपका बजट कितना है, इस पर आप कौन से प्रकार का प्रमोशन करना चाहेंगे ये आप तय कर सकते हैं। दोस्तों ये थे चार इंपॉर्टेंट पीस मार्केटिंग मिक्स के अंदर। जी हाँ, द अबव फोर पीस ऑफ मार्केटिंग आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। यहाँ हमने प्रोडक्ट वाला प्रस्पेक्टिव देखा है, जहाँ चार पी हमने देख लिए दोस्तों, और अब जो है अगला पार्ट जो है वो तीन पी वाला है, जहाँ हम और अगले तीन पी देखेंगे। ये बेसिकली सर्विस से रिलेटेड है, ये इनटेंजिबल चीज़ों से रिलेटेड है। इन एडिशनल टू दीज फोर पीज व्हेन देयर इज कंज्यूमर ओरिएंटेड और सर्विस मार्केटिंग, तो सर्विस से रिलेटेड, ये तो गुड्स और प्रोडक्ट्स का हमने देखा, सर्विस से
related, there are three more P's. They are taken into consideration, that is people, physical evidence and process. यानी लोगों को जो services हम देते हैं, फिर वो doctors के clinic में हो या lawyers हो या कोई अन्य service हो सकती है दोस्तों, ये service आप कैसे marketing mix में जोड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, people की अगर बात करें तो दोस्तों आपके business में कैसे लोग, कैसे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो किस तरह से आपके विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है. जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज हु हेल्प टू डिलीवर सर्विसेज टू द कस्टमर आर द एग्जैक्ट पीपल हु नीड टू बी एट देयर बेस्ट. यानी अगर एम्प्लॉयज बेस्ट काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आउटपुट अच्छा आएगा. राइट पीपल एट राइट प्लेस, यानी जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो टंटा बाजे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए कि सही पर्सन को सही जगह पर होना बहुत जरूरी है ताकि वो बेस्ट अपना एफर्ट दे सके. राइट पीपल एट राइट प्लेस एंड वैल्यू एड वैल्यू टू द बिजनेस फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. इट इज नेसेसरी टू रिक्रूट राइट पीपल, ट्रेन देम, डेवलप द स्किल एंड रिटेन देम. यानी सही लोगों को काम पे रखिए, उनकी स्किल्स को डेवलप भी कीजिए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए. उनके स्किल डेवलप होंगे तो आपका प्रोडक्ट डेवलप होगा, आपके आइडियाज़ को मैच कर पाएंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि राइट पीपल एट राइट प्लेस. इसके अलावा प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सर्विस ओरिएंटेड चीज़ों की जब बात करते हैं तो प्रोसेस रेफर्स टू स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. इसके अंदर दोस्तों याद रखिए कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए. शुरुआत से लेकर कस्टमर तक सर्विसेज के पहुंचने तक जो प्रक्रिया होती है उसे ही प्रोसेस कहा जाता है. प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर अ क्वालिटी सर्विस. अगर हम उस प्रोसेस में कस्टमर को बोर कर देते हैं या कस्टमर उसमें ही सेटिस्फाई नहीं होता तो वो वापस आपके पास नहीं आएगा. गुड प्रोसेस हेल्प्स टू इंश्योर सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस टू द कस्टमर एज वेल एज सेव टाइम एंड मनी. यानी उसे भी पता होगा कि भैया यहाँ पर जाने के बाद यही प्रक्रिया है, इधर से मेरे को रिसिप्ट लेनी है, यहाँ से मेरा चेकअप होने वाला है, इस प्रोसीजर से जब गुजरूंगा तो मुझे बेस्ट सर्विस मिल जाएगी. तो प्रोसेस क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने में मदद करता है. याद रखिए दोस्तों, इट हेल्प्स बिजनेसेस इन इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन व्हेनेवर नेसेसरी. यानी सही बदलाव लाने में भी अच्छा प्रोसेस मदद करता है. बढ़ते हैं आखिरी पी की ओर. मार्केटिंग मिक्स का आखिरी पी है फिजिकल एनवायरनमेंट. जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एनवायरनमेंट, एक अच्छा लुक एंड फील, एक हेल्दी एनवायरनमेंट कस्टमर को अट्रैक्ट करता है. उसे एक सूदिंग एटमॉस्फियर, उसे एक अच्छा माहौल मिलता है और वो सर्विस लेने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाता है. फिर वो आपके ऑफिस का लुक एंड फील हो, इंटीरियर डिज़ाइन हो, या हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ के जो ड्रेसेस होते हैं, ड्रेस कोड हो सकता है. तो ये जो अलग अलग चीज़ें जो दिखाई देती हैं फिजिकली, वो बहुत मायने रखती हैं, कई बार कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं, प्रोफेशनल लुक देती हैं और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. फिजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू मार्केटिंग एनवायरनमेंट वेयर इन द इंटरैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड फर्म्स टेक्स प्लेस. सिंस सर्विसेज आर इंटेंजिबल in nature, service providers try to incorporate certain tangible elements into their offering. यानी services तो intangible होती है, लेकिन service provider जो होता है वो इस प्रकार अपनी चीज़ों को सजा संवार के पेश करता है, वो टैंजिबल चीज़ों को भी अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, जोड़ देता है ताकि कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके. इन द सर्विस मार्केट द फिजिकल एविडेंस इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सर्विस इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड. फिर एक बार मैं कह दूं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर फिजिकल एनवायरमेंट में लोकेशन अच्छा होना चाहिए, लेआउट अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सूदिंग, फर्नीचर बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ द स्टाफ, यहाँ पर ये जो क्लीनलीनेस नीटनेस जो हम देखते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से भी कस्टमर को आप अट्रैक्ट करते हैं और वो वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है. तो ये थे दोस्तों 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये 7 P समझ पाए होंगे और मार्केटिंग मिक्स का आसान सा आंसर लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा. हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए. आज दोस्तों हमने खत्म कर दिया है OCM का सिलेबस. हम लेकर आएंगे बहुत सारे IMP क्वेश्चंस और बहुत सारे सैंपल पेपर्स आपके लिए. तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.